हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसे जिले के सफर पर ले जा रही हूँ जहाँ के खूबसूरत पहाड़, घने जंगल और बड़ी बड़ी नदियाँ आपका दिल जीत लेंगे। दोस्तों, यहाँ के ट्राइबल्स लोगों का जो कल्चर है उसको राज्य का अहम हिस्सा माना जाता है और यही वजह है कि यहाँ के ट्राइबल डांस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हसीन वादियों से घिरी गुमला जिले के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 18 मई 1983 को गुमला जिला रांची जिले से बना था। चारों तरफ पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा यह बहुत ही खूबसूरत जिला है, जो कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से भी काफी महत्व रखता है। गुमला राज्य के छोटा नागपुर पठार के दक्षिण भाग में स्थित है। पहले यह पुराने रांची जिले का उप विभाजन हुआ करता था। बात की जाए गुमला जिले में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ की, तो गुमला जिले में बॉक्साइट और लैटेराइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। यहाँ बॉक्साइट खानों की कुल संख्या 21 है। अगर गुमला के इनकम ऑफ सोर्स की बात करें तो वह है खेती। धान का गुमला में बड़ा कारोबार है। यहाँ लगभग 70% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और अपना परिवार चला रहे हैं, और यहाँ के लगभग मैक्सिमम जमीन एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गुमला जिला से होकर बहने वाली कोयल और संख नदी इस जिला को और भी खूबसूरत बनाने का काम करती है। 5,327 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ गुमला जिला का इतिहास काफी गौरवशाली है। वैसे यहाँ की रीति रिवाज रंग बिरंगी और अनूठी है। दोस्तों, इस जिले को आदिवासियों की सबसे बड़ी ताकत वाला जिला माना जाता है। इस जिले में आपको सबसे ज्यादा ट्राइबल्स की संख्या देखने को मिलेगी। जिले में ट्राइबल्स की इतनी आबादी होने के कारण यहाँ कई तरह के फेस्टिवल देखने को मिलते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से गुमला जिला में 68.2% ट्राइबल्स, 13.2% हिंदू, 5.1% मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं। और बात की जाए यहाँ की जनसंख्या की, तो 2011 के सेंसस यानी जनगणना के अनुसार गुमला जिला का टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्स 10,25,000 है। दोस्तों, क्या आपको पता है अल्बर्ट इक्का का जन्म गुमला जिला में ही हुआ था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अल्बर्ट इक्का ने वीरता, शौर्य और सैनिक हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपने सैनिकों की रक्षा की थी और उन्हें भारत सरकार ने उनके बलिदान को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया था। और दोस्तों, क्या आपको पता है राजधानी रांची के सबसे फेमस चौक अल्बर्ट इक्का चौक इन्हीं के नाम पर रखा गया है। वैसे दोस्तों, गुमला जिला को धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। हिंदू धर्म के कई बड़े बड़े मंदिर आपको यहाँ मिल जाएंगे और उन्हीं में से एक है अंजनी धाम। इस जगह से एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। माना जाता है कि भगवान हनुमान का जन्म यहीं हुआ था। जानकारी के अनुसार यहाँ भगवान हनुमान और उनकी माता को समर्पित एक मंदिर भी मौजूद है। यहाँ एक अंजनी गुफा भी मौजूद है जो यहाँ के लोकप्रिय स्थलों में गिना जाता है। और दोस्तों, इसी गुफा में एक मंदिर भी बना हुआ है जहाँ माता अंजनी के साथ बाल हनुमान की प्रतिमा भी बनी हुई है। बात की जाए गुमला जिले के टूरिस्ट प्लेस की, तो यहाँ कई सारे टूरिस्ट प्लेस है जो कि यहाँ के लोगों में मुख्य आकर्षण का केंद्र है, और उन्हीं में से एक आता है नौगई डैम। यह डैम गुमला टाउन से 60 किलोमीटर और चैनपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। यह डैम चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। पिकनिक स्पॉट के रूप में यह जगह पिकनिक स्पॉट के टॉप पर शामिल हो चुका है। दोस्तों, आप इस जगह के खूबसूरत क्लाइमेट का भरपूर आनंद ले सकते हैं। अगर आप कभी गुमला आए तो इस खूबसूरत जगह का दीदार करना बिल्कुल भी ना भूले। इसके अलावा बालकोट, दांतीनाथ, नागकिनी भी घूम सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक और फेमस अट्रैक्शन है और वह है सीरा सीता। दोस्तों, सीरा सीता आदिवासियों की पूजनीय स्थल है, और मैं आपको बता दूं यह पूजनीय स्थल के साथ साथ एक पर्यटन केंद्र भी बन चुका है। दोस्तों, प्राकृतिक के इस अनुपम खजाने का दीदार के लिए हजारों लोग इस जगह पर आते हैं। और बात की जाए गुमला जिला के लिटरेसी रेट की, तो गुमला जिला का लिटरेसी रेट 66% है, और यहाँ कई सारे प्रमुख शिक्षा संस्थान मौजूद है जो कि यहाँ के छात्रों और छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं।
जिनमें ऑक्सफोर्ड स्कूल, संत इग्नेसिस हाई स्कूल, संतना कॉन्वेंट, उस्लाइन कॉन्वेंट, डीएवी स्कूल, डॉन बॉस्को, सरस्वती शिशु मंदिर, कार्तिक उरांव कॉलेज यहाँ के कुछ प्रमुख शिक्षा संस्थानों में से एक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।